अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हम आपको जो पूरा आपका क्लास 8 की साइंस है उसकी पूरा रिवीजन कराएंगे एनसीईआरटी का। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है 9th एंट्रेंस के लिए एमयू में, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आने वाली जितनी भी वीडियो हैं साइंस की वो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग करीब 3 से 4 बार आपका पूरा एनसीईआरटी का रिवीजन करवाएंगे। क्लास 8 का जितने भी सारे चैप्टर है इसमें सारे चैप्टर करवाएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर के आपका लास्ट चैप्टर जो है यहाँ पे 18 चैप्टर वहाँ तक पूरा आपको करवाएंगे, जो कि लास्ट चैप्टर है आपका यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, क्रॉप प्रोडक्शन से लेकर पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर तक आपके सारे चैप्टर्स का एमसीक्यूज बताएंगे, जो कि पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। और ऐसी करीब 3, 4 से 5 वीडियोस आएंगी जिसमें आपका पूरा जो है एनसीईआरटी कवर करवाई जाएगी। तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आने वाली वीडियो देख लीजिएगा, तो इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी और आपको एमयू में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। करेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उससे स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, जो हम लोग सॉइल को लूज करते हैं उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को उसको कहते हैं टिलिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज पेस्टिसाइड, जिसमें आपको पेस्टिसाइड पता होना चाहिए। पेस्टिसाइड वो होता है जब भी हम लोग इंसेक्ट्स को मारने के लिए, किल करने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। जो हम लोग के क्रॉप में इंसेक्ट लग जाते हैं उन्हीं को किल करने के लिए पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है। तो इसमें कौन सा पेस्टिसाइड है इनमें से, वो है मेलाथोइन। उसके बाद है सीड ड्रिल इज यूज फॉर, सीड ड्रिल हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो आता है सोइंग, यानी हम लोग को जब भी अपने क्रॉप को ज़मीन के अंदर डालना हो, अपनी सीड को ज़मीन के अंदर डालना होता है, तो हम लोग सीड ड्रिल की हेल्प से उसे सो कर देते हैं, इसी को कहते हैं सीड ड्रिल। उसके बाद है रबी क्रॉप इज हार्वेस्टेड, रबी क्रॉप जो है वो कब हार्वेस्ट की जाती है, तो हार्वेस्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है हार्वेस्ट, यानी काटी कब जाती है, तो ये अक्टूबर से मार्च में काटी जाती है। उसके बाद है मेज ग्रोथ वेल, मेज जो है वो कब सही से जो है ग्रो होता है, तो इसका सही ऑप्शन है वो है जून। अब जो है आपका सेकंड चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड फूड, इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, हम लोग अल्कोहल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ की हेल्प से, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ईस्ट। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग इज एंटी पायरेटिक, तो आपको भी पता होना चाहिए एंटी पायरेटिक क्या होता है, तो वो हम लोग मेडिसिन जो कि फीवर को कम करने के लिए यूज किया जाता है उसे एंटी पायरेटिक कह रहे हैं, तो इनमें से कौन सा है वो है पैरासीटामोल। उसके अलावा विच हेल्प्स इन द राइज ऑफ ब्रेड ऑफ डोसा, वो ब्रेड का जो डोस होता है उसको फुलाने के लिए किस चीज का हेल्प करता है, तो होता है स्टेल। उसके बाद स्टेटस ऑफ एल्गाई इन द एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन के अंदर एल्गाई का जो है क्या रोल है, क्या स्टेटस है, तो ये जो होती है ये प्रोड्यूसर्स है। उसके बाद है द रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड, रॉड शेप बैक्टीरिया जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बैसिलस। अब जो आपका थर्ड चैप्टर है फाइबर एंड प्लास्टिक, उसके कोई एमसीक्यू देखते हैं, उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा नाम क्या है, उसे कहते हैं रेयॉन। उसके बाद विच फाइबर इज यूज एज आर्टिफिशियल वूल, आर्टिफिशियल वूल के लिए कौन सा फाइबर जो है वो यूज किया जाता है, तो वो आर्किलिक। उसके बाद पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ ए स्मॉल यूनिट कॉल्ड, पॉलीमर्स जो है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर इनमें से कौन सा है, तो वो है आपका नायलॉन। उसके बाद वुड पल्प इज यूज्ड टू मेक, वुड पल्प का को किस चीज के बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो वो बनाने के लिए आता है रेयॉन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, इन शॉर्ट में से कौन सा ऐसा है जो कि नेचुरल फाइबर है, तो वो है वूल। उसके बाद आपका चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगा, इसका सही ऑप्शन जो है वो है मर्कल। उसके बाद मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट मेटल जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसमें आपको रिएक्टिविटी पता होनी चाहिए, जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, तो पोटेशियम जो है उसमें लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है। उसके बाद द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसका सही ऑप्शन जो है वो है मर्करी, और अगर वो था नॉन मेटल तो नॉन मेटल में आपका आता है ब्रोमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल, वो ऐसा मेटल जो कि सबसे ज्यादा डक्टाइल है, जिसकी लॉन्ग लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं, तो गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन केरोसिन, इन चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा कौन रिएक्टिव होता है और उसको केरोसिन में रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे, तो इसका सही ऑप्शन है सोडियम और पोटेशियम, दोनों जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो बोथ बी एंड सी। उसका नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का हुआ है कोल एंड पेट्रोलियम, फर्स्ट क्वेश्चन है मिनरल सॉल्ट,
मिनरल्स होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज होते हैं और एग्जॉस्टिबल नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन जाएगा वो आएगा ऑल ऑफ दिस। उसके बाद पेट्रोलियम इज मेनली अ मिक्सचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास। पेट्रोलियम जो होता है किस चीज का मिक्सचर होता है, तो वो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। तो इसका जो हाइड्रोकार्बन आंसर आएगा। उसके बाद विच वन इज नॉट अ कोल प्रोडक्ट, तो इसमें लाइम जो है ये कोल का प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेट्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल जो है वो आपका पैराफिन वैक्स होता है। क्या है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, डेड वेजिटेशन का कोल में चेंज होना क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद जो है आपका चैप्टर है वो है आपका नेक्स्ट चैप्टर कंबस्शन एंड फ्लेम। उसमें जो है आपका नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज इन कंबस्शन, कंबस्शन में कौन सी जो है वो गैस यूज होती है, उसमें आपका जो है वो है ऑक्सीजन। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ, जब भी हम लोग एलपीजी को जलाएंगे तो वो रैपिड कंबस्शन में आएगा यानी बहुत तेज जलेगी काफी। टेम्परेचर एट विच दैट सब्सटेंस बर्न इज कॉल्ड, वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज जलना शुरू हो जाती है उसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। उसके बाद है विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वो कौन सी एनर्जी है जो कि नॉन रिन्यूएबल है जिसको हम लोग दोबारा से नहीं बना सकते, तो वो है आपका नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इन चार ऑप्शन में से फॉसिल फ्यूल क्या नहीं है, तो वो है आपका वाटर गैस। उसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू, जब भी हम लोग फॉरेस्ट को काटेंगे क्लियर करेंगे तो किसमें आएगा, वो आएगा डिफॉरेस्टेशन में आपका। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू, जब भी हम लोग डिफॉरेस्टेशन करेंगे यानी फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा अर्थ का और O2 और CO2 का इम्बेलेंस हो जाएंगे, यानी O2 कभी कम या ज़्यादा, ऑक्सीजन और CO2 का लेवल जो है वो कम ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका बोथ एंड ये भी हो जाएगा। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन सी गैस जो है प्लांट यूज़ करते हैं, तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड लोग यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए। उसमें आपको बताना है नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें फूड अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्ट इन, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ जाएगा, अमाउंट उसका बढ़ जाएगा, तो क्या चीज़ होगी, सबसे पहले तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग होगी और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियस सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय, न्यूक्लियर जो होता है वो साइटोप्लाज्म से हम लोग सेपरेट कर पाते हैं, दोनों को अलग कर पाते हैं, तो किस चीज़ की हेल्प से, तो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से। उसके बाद है द लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अपना न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद है आपका टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म, टिश्यूज जब भी कंबाइन करते हैं हम लोग उनका ग्रुप बनाते हैं तो क्या चीज़ बनाते हैं, तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, तो टिश्यू जो है वो मिलकर ऑर्गेनिक बनाते हैं। उसके बाद सेल प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन, जब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से अलग रहते हैं किस चीज़ की हेल्प से, तो वो नंबर में भी अलग हो सकते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ क्वांटिटी में सेल होंगे तो दूसरे में अलग, शेप भी सबका अलग अलग होता है सेल्स का, साइज भी कोई छोटा हो सकता है कोई बड़ा, तो इसका जो है आपका अलग दिख जाएगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के आपको सेल्स जो है मिल जाएंगे। सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता वो कौन से सेल्स होते हैं, वो होते हैं प्रोकैरियोटिक आपके सेल्स। उसके बाद कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ सेल, सेल का कंट्रोल कौन करता है कौन से थे, जैसे इंसान को माइंड कंट्रोल करता है वैसे ही आपका न्यूक्लियस जो है वो सेल को कंट्रोल करता है, कब से होते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, कितने नंबर से जो है एनिमल जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसमें आएगा टू। उसके बाद बाइनरी फ्यूजन इज ऑब्जर्व, बाइनरी फ्यूजन किसके अंदर होता है, तो होता है अमीबा के अंदर। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन, तो ये आपका आएगा ओनली। उसके बाद इन हाइड्रा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज, तो हाइड्रा के अंदर कौन सा होता है, तो इसमें आपका आएगा सेक्सुअल। उसके बाद एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग मंथ्स आर कॉल्ड, तो इसमें आएगा आपका विविपोरस। उसके बाद द मेल गैमेट्स इज कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें आएगा आपका थ्री पार्ट्स। ओवम और एग्स आर फाउंड इन, तो इसका आएगा आपका ओवरी।